Hello guys, welcome to Enduring Grace. This is Abbas, your host and owner of Enduring Grace. So, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मार्केट में टी-शर्ट प्रिंटिंग के जो मेथड्स है उसके बारे में बात करेंगे. वैसे तो बहुत सारी मेथड होती है टी-शर्ट प्रिंटिंग के लिए, लेकिन जो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है फोर मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ जो प्रिंटिंग मेथड्स है उसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज वही सबसे ज़्यादा चलती है. सो बहुत सारे लोग हमें जब इंक्वायरीज आती है हमें प्लेन टी शर्ट्स के लिए, तो बहुत सारे लोग हमें ये इंक्वायरी करते हैं कि किस टाइप की प्रिंटिंग हम करवा सकते हैं ये टी शर्ट पे. जब हम बताते भी हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं और दे आर नॉट वेरी क्लियर कि ये वाले फैब्रिक पे कैसा टाइप का प्रिंटिंग हो सकता है, क्या कॉस्टिंग होती है उसकी, तो ये सब चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती. तो ये वीडियो का आज का मेन पर्पस यही है दैट एक आपको एक ब्रीफ आइडिया आए और एक क्लैरिटी आए कि जब आपका खुद का ब्रांड चालू कर रहे हो या आपको प्रिंटिंग करवाना है तो आप कैसे उसको मिक्स एंड मैच करके प्रिंटिंग करवा सकते हैं. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो और मैं आपको सब डिटेल्स बताऊंगा. सो बेसिकली जो चार टाइप के प्रिंटिंग मेथड्स की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, वो है पहला स्क्रीन प्रिंटिंग, सेकेंड DPG प्रिंटिंग, थर्ड हीट ट्रांसफर और फोर्थ सब्लिमेशन. सो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में. स्क्रीन प्रिंटिंग सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेथड है आज के टाइम में, बिकॉज उसका जो क्वालिटी ऑफ प्रिंट मिलती है उसमें वो सबसे सुपीरियर रहती है देन ऑल दी अदर टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग. सो मैं आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में नहीं बताऊँगा कि कैसे होती है, अदरवाइज आप बोर हो जाओगे और आपको ज़रूरत भी नहीं है वो जानने के लिए. सो बेसिकली स्क्रीन प्रिंटिंग आप जो सेल्यूलोस फाइबर्स रहते हैं कॉटन फाइबर्स वो यूज़ आप उस पर प्रिंटिंग करवा सकते हो, या तो फिर आप पॉलिएस्टर है, जर्सी मटेरियल है, ड्राई फिट है, उस पर भी आप स्क्रीन प्रिंटिंग करवा सकते हो. और बेसिक एडवांटेजेस ये होते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए दैट वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है पहली बात तो, एंड सेकेंड जब आपकी बल्क प्रिंटिंग होती है आपके पास बहुत सारे टी शर्ट्स है प्रिंट करने के लिए, तो स्क्रीन प्रिंटिंग आपको बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होती है. सो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ प्रिंट. देर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑल्सो कि आपको क्यों नहीं करना चाहिए स्क्रीन प्रिंटिंग. कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आएगी जब आप दूसरे मेथड्स प्रेफर करोगे. सो वो सिचुएशंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं ब्रीफ में. पहले तो जब आपकी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या बहुत सारे कलर्स इन्वॉल्व है उसमें, बहुत सारे ब्रेक्स है बीच में, बहुत सारा ऐसा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, तो वो सिचुएशन में स्क्रीन प्रिंटिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. तो वो सिचुएशन में आप DTG प्रिंटिंग जो है वो आप प्रेफर करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा होगा. सेकेंड चीज़ ये है कि जब आपकी क्वांटिटी छोटी रहती है तो वो सिचुएशन में आपको स्क्रीन प्रिंटिंग आप नहीं प्रेफर करोगे, क्योंकि स्क्रीन प्रिंटिंग में पूरा स्क्रीन बनाना पड़ता है और वो बनाने के लिए ही थोड़ा टाइम चले जाता है. सो जस्ट क्विक चीज़ आपको बतानी थी कि अगर आपको कभी प्रिंटिंग करवा के टी शर्ट्स चाहिए हमारे पास से, सो दैट सर्विस ऑल्सो हम आपको प्रोवाइड करते हैं. स्क्रीन प्रिंटिंग में ही हम डील करते हैं. बेसिकली हमारे पास प्रिंटर है और आप अगर आपके डिज़ाइन हमें प्रोवाइड करोगे तो उसका जो भी चार्जेस रहेगा वी विल टेल यू. और बेसिकली ये चीज़ करने का मेन पर्पस क्या है कि आपको अंडर वन रूफ सब चीज़ मिल जाएगा. ऐसा नहीं है कि आप खाली हमसे प्लेन टी शर्ट्स लेके फिर आपको दूसरी जगह पे ढूंढना है कि क्या कौन कैसे है. तो अगर आपको प्रिंटिंग करवा के रेडी चाहिए तो वो भी हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. सो अब बात करते हैं सेकेंड टाइप के प्रिंटिंग मेथड के बारे में, विच इज़ DTG प्रिंटिंग. DTG मीन्स डायरेक्ट टू गारमेंट प्रिंटिंग. सो वो जो प्रिंटिंग मेथड है वो थोड़े टाइम से इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में. बेसिकली उसमें एक प्रिंटर रहता है जो और एक सॉफ्टवेयर रहता है उसके कनेक्टेड. आप उसमें आपका डिज़ाइन अपलोड करो और आपका जो फैब्रिक है वो एक बेल्ट के थ्रू प्रिंटर के अंदर जाता है और प्रिंट करके आता है. सो बेसिकली जो DTG प्रिंटिंग होता है उसमें आप ज़्यादा कलर्स, जब आपकी डिज़ाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है या बहुत कलर्स इन्वॉल्व हैं तब DTG प्रिंटिंग प्रेफर कर सकते हैं. DTG की क्वालिटी भी अच्छी रहती है, इट्स क्वाइट गुड, लॉन्ग लास्टिंग भी होती है, तो इतना इश्यू नहीं आता है DTG प्रिंटिंग में. जब आपकी क्वांटिटीज कम रहती है तो आप DTG भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि बल्क क्वांटिटीज़ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती है कि DTG प्रिंटिंग आपको एक्सपेंसिव हो जाएगा. सो ये एक बेसिक डिफरेंस है स्क्रीन प्रिंटिंग और DTG प्रिंटिंग में.
सो अब बात करते हैं जो थर्ड टाइप की प्रिंटिंग मेथड है, हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग मेथड। सो ये मेथड कंपैरेटिवली नई मेथड है फॉर इंडियन मार्केट। अब्रॉड के मार्केट्स में ये ऑलरेडी बहुत डेवलप हो चुका है और अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग इट, बट इंडियन मार्केट में अभी भी लोग इसको सीख रहे हैं, इसको यूज़ करने की ट्राई कर रहे हैं। ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। इसमें बेसिकली एक मशीन आता है, हीट ट्रांसफ़र मशीन जिसको बोलते हैं, और एक हीट ट्रांसफर्स के पेपर्स आते हैं, उस पर आप डिज़ाइन आपकी प्रिंट कर दो और वो मशीन के थ्रू और वो पेपर के थ्रू वो जो डिज़ाइन है वो आपके टी शर्ट पर पूरा प्रिंट हो जाता है। हीट ट्रांसफ़र मशीन की जो ड्यूरेबिलिटी और जो क्वालिटी रहती है वो कंपेरेटिवली DTG और स्क्रीन प्रिंटिंग मेथड से थोड़ी कम रहती है, और लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं जब एक पीस, दो पीस, या फिर उनको घर से ही एक खुद से ही प्रिंटिंग करना है तो ये आप कर सकते हो। DTG और स्क्रीन प्रिंटिंग का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप रहता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, सो यू कैन नॉट डू इट जस्ट एक ट्रायल बेसिस पे। लेकिन हीट ट्रांसफ़र में कैसा है कि एक मशीन आता है खाली और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता, तो लोग उसमें इन्वेस्ट करके एक खुद से ही घर से ऑनलाइन बिजनेस या ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके एडवांटेजेस बेसिकली यही है दैट वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है और आप घर से भी कर सकते हो उसको। सो अब बात करते हैं जो फोर्थ और लास्ट कॉमनली यूज प्रिंटिंग मेथड है, विच इज सब्लिमेशन प्रिंटिंग। तो बेसिकली सब्लिमेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ मेथड्स, जो DTG और स्क्रीन प्रिंटिंग और हीट ट्रांसफ़र है उससे बहुत ही डिफरेंट है, और उसका जो पर्पस है, उसका जो यूसेज है वो भी बहुत डिफरेंट है ऑफकोर्स। तो उसमें बेसिकली ज़्यादा यूज़ इसीलिए होता है कि जब ऑल ओवर प्रिंट करना है कोई पर्टिकुलर फैब्रिक है या टी शर्ट है, उस पर अगर ऑल ओवर और कॉम्प्लेक्स प्रिंट्स करनी है तो सब्लिमेशन प्रिंटिंग उसमें काम आता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, सब्लिमेशन प्रिंटिंग में कभी भी आपको कॉटन फैब्रिक्स पे नहीं हो पाएगा सब्लिमेशन, इट विल ओनली बी ऑन पॉलिएस्टर, 100% पॉलिएस्टर फैब्रिक्स जो रहते हैं उस पर ही आप सब्लिमेशन कर सकते हैं। सो बेसिकली ये थी फोर टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग मेथड्स जो हम आपके लिए लाए हैं वीडियो में, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, और आपको भी जब आप मार्केट में जाओगे या आप जब इंक्वायरीज करोगे तो आपको एक आइडिया आएगी कि भाई सामने वाला बंदा किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी, और आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, तो हम आपके लिए वैसे टाइप के वीडियोस लाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।